वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को गए हुए हैं। सिंह यहां SCO की एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के साथ ही रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु से मुलाकात करके द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा भी किया है। अब इस दौरान खबर है कि चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंघेई से राजनाथ सिंह की मुलाकात हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि राजनाथ सिंह और उनके इस दौरे पर चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात के क्या है मायने। दरअसल राजनाथ सिंह बुधवार यानी 2 अगस्त को 3 दिवसीय दौरे पर मॉस्को गए हुए हैं। इस दौरान चीन के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने का समय मांगा है। चीन के रक्षा मंत्री ने ऐसे समय मुलाकात करने की पेशकश की है जब भारतीय और चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के साथ सैन्य गतिरोध में लगे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रक्षा मंत्री ने चीनी रक्षा मंत्री के साथ बैठक के लिए हामी भर दी है। हालांकि इसके बारे में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चीनी पक्ष ने भारतीय मिशन के समक्ष यह इच्छा व्यक्त की है। बता दें कि रूस के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राजनाथ सिंह ने गुरुवार को रूसी रक्षा मंत्री जनरल सरगेई शोइगु के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक की है। सिंह ने पहले ही समझौतों के तहत रूस द्वारा भारत को कई हथियार प्रणालियों, गोला बारूद और कलपुर्जों की आपूर्ति में तेजी लाने के लिए दबाव डाला। राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि शोइगु के साथ उनकी वार्ता शानदार रही। उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि आज मॉस्को में रूसी रक्षा मंत्री जनरल सरगेई शोइगु के साथ बैठक शानदार रही। हमने कई मुद्दों पर बात की, विशेष रूप से इस पर कि दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग और मजबूत बने। गौरतलब है कि मॉस्को दौरे के दौरान भारत और रूस ने अत्याधुनिक AK-203 राइफल भारत में बनाने के लिए एक बड़े समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। आधिकारिक रूसी मीडिया ने यह जानकारी दी। AK-203 राइफल AK-47 राइफल का नवीनतम और सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है। यह इंडियन स्मॉल्स आर्म सिस्टम यानी INSAS 5.56x45mm राइफल की जगह लेगा। तो ये थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।